दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से ही होती है, लेकिन हर घर का चाय बनाने का तरीका अलग-अलग होता है, जिससे हर घर की चाय का टेस्ट अलग होता है। चाय के हम इतने आदी हो गए हैं कि ठंड है तो चाय, बारिश है तो चाय, सर दर्द हो रहा है तो चाय, थकान लग रही है तो चाय, मेहमान आए हैं तो चाय। मतलब हमें चाय पीने और पिलाने का बहाना चाहिए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, जो चाय हर घर में बनती है उस चाय को बनाने का सही तरीका 90% लोग नहीं जानते। आज के इस वीडियो में मैं आपको चाय बनाने का सही तरीका तो बताऊंगी ही, साथ ही में चाय बनाते वक्त किन चार ट्रिक्स को फॉलो करना जरूरी है ये भी बताऊंगी, ताकि आपके द्वारा बनी हुई चाय इतनी टेस्टी बने कि हर कोई उस चाय का दीवाना हो जाए। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले ये काम करें कि यदि दूध फ्रिज में रखा हुआ है तो उसे बाहर निकाल ले, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। चाय में हमें जो इलायची और अदरक डालनी है उसे कूट ले। मैं यहाँ पर 2 कप चाय बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं 2 इलायची ले रही हूँ। इलायची को कूट कर फिर अदरक डालकर कूट ले, क्योंकि अदरक गीली होने से यदि हम अदरक और इलायची साथ में कूटेंगे तो इलायची बराबर कूटी नहीं जाएगी। इलायची के छिलकों को ना फेंके, इसे भी हम चाय में डाल देंगे। चाय बनाने के लिए पैन में 1/4 कप पानी डालें। मैं 2 कप चाय के लिए सिर्फ 1/4 कप पानी ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दूध थोड़ा पतला आता है और मुझे गाढ़ी चाय पसंद है। आप चाय में पानी का परसेंटेज अपनी पसंदानुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने दीजिए। कच्चे मतलब ठंडे पानी में हम कुछ नहीं डालेंगे। जब पानी उबलने लगे तब उसमें 3 चम्मच चाय पत्ती डालें। चाय पत्ती की क्वांटिटी चाय पत्ती की क्वालिटी पर और कप के साइज पर डिपेंड है। यदि आप ठंडे पानी में चाय पत्ती डालोगे तो आपकी चाय कड़वी बनेगी। आप जैसे ही उबलते पानी में चाय पत्ती डालेंगे तो वो बढ़िया सा रंग और फ्लेवर छोड़ती है। इसी टाइम पर इसमें 3 टीस्पून चीनी डालें। चीनी भी पानी छोड़ती है, इसलिए चीनी डालने के बाद 1 मिनट चाय को पकने दें। अभी मैंने इसमें चाय मसाला या अदरक इलायची आदि कुछ भी क्यों नहीं डाला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक बार बड़ी चम्मच से चाय को अच्छे से जरूर चला लें, इससे चाय का फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसमें 1/4 कप दूध डालें। चाय में कभी भी ठंडा दूध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ठंडा दूध डालने पर चाय का टेम्परेचर अचानक चेंज होने से चाय का फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, जिससे चाय अच्छी नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि चाय में ठंडा दूध डालने से दूध में जो घी होता है वो सेपरेट हो जाता है, जिससे चाय में घी की एक लेयर बन जाती है जो चाय में अच्छी नहीं लगती। चाय को अच्छे से उबलने दे। बीच बीच में चाय को चम्मच की सहायता से इस तरह ऊपर उठाते हुए मिक्स करें। आपने चाय ठेलों पर चाय वालों को चाय को इस तरह ऊपर नीचे करते हुए देखा होगा। इससे चाय का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और चाय का स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू। इस स्टेज पर हमने जो अदरक और इलायची कूट कर रखी थी वो डाले। मैंने अदरक इलायची पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि अदरक पहले डालने से चाय कड़वी लगती है और इलायची पहले डालने से उसका फ्लेवर बराबर नहीं आता। यदि आप चाय में अदरक इलायची न डालकर चाय मसाला यूज करते हैं तो 1/2 टीस्पून चाय मसाला डालें। मैंने घर पर स्पेशल चाय मसाला कैसे बनाएं इसका वीडियो शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी। इस मसाले में सर्दी और गर्मी के हिसाब से बदल किया गया है, जो हमारी सेहत के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। अदरक इलायची या चाय मसाला डालने के बाद चाय की 2 उबाली और लेकर गैस बंद कर दें। आप देख रहे हैं कि चाय का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अब चाय को छान ले। दोस्तों, बढ़िया वाली चाय बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 4 ट्रिक्स को फॉलो करें। पहली, पानी में उबाल आने पर ही चाय पत्ती डालें। दूसरी,
चाय में ठंडा दूध न डालें। तीसरी, चाय को उबालते वक्त उसे चम्मच से ऊपर नीचे उछालें। और सबसे जरूरी और चौथी ट्रिक, चाय में फ्लेवर के लिए आप जो भी चीज डाल रहे हैं, जैसे कि अदरक, इलायची या चाय मसाला आदि, वो लास्ट में डालकर बाद में चाय को ज्यादा न उबालें। इससे चाय में अदरक, इलायची, चाय मसाला आप जो भी चीज डाल रहे हैं, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, फर्क आपको खुद को महसूस होगा। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि चाय को कभी भी बार बार गर्म करके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे इसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिससे आपको कब्ज, पाचन की समस्या, पेट में दर्द और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, चाय बनाने का यह तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।